हेलो एवरीवन, हमारा वेब इंटेलिजेंस एंड बिग डेटा में नेक्स्ट टॉपिक है माइनिंग, या फिर यू कैन से डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग क्या है? डेटा माइनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग थ्रू लार्ज डेटा सेट्स टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड एस्टैब्लिश रिलेशनशिप्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स थ्रू डेटा एनालिसिस। बेसिकली इसका मतलब है कि डेटा माइनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लार्ज डेटा सेट, बड़े बड़े जो डेटा सेट्स हैं उसमें पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उनके बीच में रिलेशनशिप्स इस्टेब्लिश करते हैं कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अगर ईजी वर्ड्स में कहें तो डेटा माइनिंग इज़ एक्सट्रैक्टिंग वैल्यूएबल इनसाइट्स फ्रॉम द डेटा। अब हमारे पास जो डेटा होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, हमें इतना डेटा नहीं चाहिए होता एक्चुअली में, हमें फ्यूचर प्रिडिक्ट करने के लिए, बिजनेस को और एक्सपैंड करने के लिए कुछ लिमिटेड डेटा, एक वैल्यूएबल डेटा चाहिए होता है, और वो डेटा निकालने के प्रोसेस को ही हम डेटा माइनिंग कहते हैं। व्हाई इट इज़ यूज़फुल? डेटा माइनिंग टूल्स अलाउ इंटरप्राइजेस, मतलब बिजनेसेस को हेल्प करता है क्या करने में, प्रिडिक्ट फ्यूचर ट्रेंड्स, ताकि वो उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करें और उसी के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस के आगे फोकस करें। ये देख लिया कि डेटा माइनिंग होता क्या है, नाउ वी विल सी डेटा माइनिंग का प्रोसेस कैसे करते हैं। ठीक है, क्या क्या स्टेप्स हैं इसमें? तो डेटा माइनिंग प्रोसेस में हमारे पास 6 फेसेस होते हैं, एक एक करके सबको देखते हैं। फर्स्ट इज़ द प्रॉब्लम डेफिनेशन। प्रॉब्लम डेफिनेशन में हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारी बिजनेस प्रॉब्लम है क्या, हम किस चीज़ के लिए डेटा माइन करना चाह रहे हैं। जब तक हमें ऑब्जेक्टिव नहीं पता होगा कि हमें डेटा माइन क्या एक्सट्रैक्ट करना है अपने डेटा से, तब तक हम प्रोसेस कैसे डिफाइन कर पाएंगे डेटा माइनिंग। तो पहला हमारा फेस है प्रॉब्लम डेफिनेशन। इसमें हमारे 3 लोग होते हैं, डेटा माइनिंग एक्सपर्ट्स, बिजनेस एक्सपर्ट्स एंड डोमेन एक्सपर्ट्स, एंड ऑल 3 ऑफ देम वर्क क्लोजली टू डिफाइन द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स एंड द रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द बिजनेस पर्स्पेक्टिव। मतलब ये तीनों जो हैं ये हमारे प्रोजेक्ट के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे बिजनेस की, वो आइडेंटिफाई करते हैं। एक बार प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव डिफाइन हो गया तो उसके बाद वो लोग उसे ट्रांसलेट कर देते हैं डेटा माइनिंग प्रॉब्लम डेफिनेशन में। ठीक है, तो इन दिस फेज डेटा माइनिंग टूल्स आर नॉट येट रिक्वायर्ड। मतलब इस फेज के अंदर अभी हम डेटा माइनिंग के टूल्स यूज़ नहीं कर रहे, हमने सिर्फ बिजनेस की रिक्वायरमेंट देखी, ऑब्जेक्टिव फाइंड आउट करा और उसको एक प्रॉब्लम डेफिनेशन में कन्वर्ट कर दिया। सो दिस वाज द फर्स्ट फेज। डेटा माइनिंग प्रोसेस का सेकंड फेज है डेटा एक्सप्लोरेशन। इसमें क्या होता है, जो डोमेन एक्सपर्ट्स होते हैं, डोमेन एक्सपर्ट्स आर लाइक SMEs, मतलब सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, मेटा डेटा का मीनिंग अंडरस्टैंड करते हैं। मेटा डेटा मतलब डेटा अबाउट दी डेटा। और डोमेन एक्सपर्ट्स क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं एंड एक्सप्लोर करते हैं डेटा को, कि डेटा कैसा है। ओके, एंड दे आल्सो आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स ऑफ द डेटा। प्रॉब्लम्स हैं हमारे डेटा में, जैसे कि इनकंसिस्टेंसी हो गया, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो सब आइडेंटिफाई करते हैं। अ फ्रीक्वेंट एक्सचेंज विद द डेटा माइनिंग एक्सपर्ट्स एंड द बिजनेस एक्सपर्ट्स फ्रॉम द प्रॉब्लम डेफिनेशन फेज इज़ वाइटल। मतलब जो हमारे बिजनेस, मैंने अभी ऊपर बताया था ना, 3 टाइप के लोग होते हैं, डेटा माइनिंग एक्सपर्ट, बिजनेस एक्सपर्ट्स एंड डोमेन एक्सपर्ट्स। ठीक है, डेटा एक्सप्लोरेशन डोमेन एक्सपर्ट्स करते हैं, बट वो साथ साथ किसके साथ अपने आप फ्रीक्वेंट एक्सचेंज रखते हैं, मतलब किसके साथ डिस्कशन करते रहते हैं, बिजनेस एक्सपर्ट्स के साथ। बिजनेस एक्सपर्ट्स ही बताएंगे कि जो आप चीज़ें कर रहे हो क्या वो हमारे बिजनेस ऑब्जेक्टिव, मतलब जो प्रॉब्लम हमने डिफाइन करी है उसके साथ अलाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दे नीड टू टॉक विद ईच अदर। और डेटा एक्सप्लोरेशन फेस में क्या होता है, ट्रेडिशनल डेटा एनालिसिस टूल्स भी यूज़ करे जाते हैं डेटा को एक्सप्लोर करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल स्टैटिस्टिक्स एंड ऑल। डेटा माइनिंग का थर्ड फेस है डेटा प्रिपरेशन। हमने सेकेंड फेज में अपने डेटा का टाइप डिफाइन कर दिया, आइडेंटिफाई कर ली उसमें प्रॉब्लम्स, अब हमें अपने डेटा को प्रिपेयर करना है मॉडलिंग के लिए। तो इसमें क्या होता है, डोमेन एक्सपर्ट्स कलेक्ट करते हैं, क्लीन करते हैं और फॉर्मेट करते हैं डेटा को। क्यों करना पड़ता है काम, बिकॉज सम ऑफ द माइनिंग फंक्शंस एक्सेप्ट डेटा ओनली इन अ सर्टेन फॉर्मेट। कई बार हमारा डेटा ऐसे फॉर्मेट में होता है कि हम अपने उसे माइनिंग फंक्शंस को नहीं सप्लाई कर सकते, तो माइनिंग फंक्शंस अप्लाई करने के लिए अपने डेटा पे हमें उसको एक सर्टेन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होता है। तो डेटा प्रिपरेशन में हम ये वाला काम करते हैं।
डोमेन एक्सपर्ट्स ऑल्सो क्रिएट न्यू डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स. कई बार न्यू एट्रीब्यूट्स चाहिए हमें अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, एक कॉलम है हमारा, तो उसमें हमें एक एवरेज वैल्यू का कॉलम और ऐड करना है ताकि हम अपने डेटा को सही से माइन कर सकें. तो वो सारे काम होते हैं. इन दिस फेज डेटा इज ट्वीक्ड मल्टीपल टाइम्स इन नो प्रिस्क्राइब्ड ऑर्डर. ट्वीक्ड मतलब कुछ स्मॉल स्मॉल चेंजेस करते हैं हमारे डेटा में, वो भी कोई भी प्री डिफाइंड ऑर्डर में नहीं करते, जब जैसी रिक्वायरमेंट है वैसा चेंजेस करते हैं. टिपिकल टास्क इन दिस फेज क्या क्या है? प्रिपेयरिंग डेटा फॉर द मॉडलिंग टूल बाय सिलेक्टिंग टेबल्स, रिकॉर्ड्स एंड एट्रीब्यूट्स. मतलब हमारे डेटा में से कौन कौन सी टेबल्स, कौन कौन से रिकॉर्ड्स और कौन कौन से मतलब कॉलम्स वगैरह हमें यूज़ करने हैं डेटा माइनिंग के लिए, मॉडलिंग के लिए, वो सब हम डिसाइड करते हैं. और इसमें जो है एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखा जाता है कि जो डेटा का मीनिंग है वो चेंज नहीं होता कभी भी. डेटा रिमेन्स एज इट इज़, बस उसे थोड़ा सा क्लीन और फॉर्मेटेड फॉर्म में करा जाता है. अगर डेटा प्रिपरेशन के प्रोसेस को और ज़्यादा इजी वे में एक फ्लोचार्ट फॉर्म में समझना है तो आई विल एक्सप्लेन यू दैट. ये जो रेड वाला है आप ये भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं. सबसे पहला है इसमें सिलेक्ट डेटा. सिलेक्ट डेटा मीन्स हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन यूज़ करनी है इवैल्यूएशन के लिए, यहाँ पे वो होता है. नेक्स्ट इज़ क्लीन योर डेटा. क्लीनिंग में क्या होता है, जो भी हमारी कई बार एम्बिगुअस वैल्यूज़ होती हैं या फिर मिसिंग वैल्यूज़ हैं वो सब कुछ ठीक करना. ठीक है, एस्टिमेट लगाते हैं हम कि मिसिंग वैल्यूज़ में क्या क्या एस्टिमेट हो सकता है, वो अलग एक टॉपिक है, इतना डेप्थ में घुसने की ज़रूरत नहीं है. बस क्लीन डेटा में आप ऐसे समझिए कि एम्बिगुअस वैल्यूज़ जो हैं उन सबको ठीक करना एंड मिसिंग इन्फॉर्मेशन का प्रिडिक्ट करना कि क्या आ सकती है वहाँ पे वैल्यू, ये सारा काम क्लीन डेटा में होता है. नेक्स्ट इज़ योर कंस्ट्रक्ट डेटा. इट बेसिकली कंप्राइजेज ऑफ कंस्ट्रक्टिव इन्फॉर्मेशन प्रिपरेशन लाइक जनरेटिंग डिराइव्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, कंप्लीट न्यू डॉक्यूमेंट्स या फिर ट्रांसफॉर्म करना वैल्यूज़ को करंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे. नेक्स्ट इज इंटीग्रेट डेटा. इसमें क्या होता है, जो भी हमारा डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सबको कंबाइन करना, उनकी वैल्यूज़ को कंबाइन करना, इस ये हमारा इंटीग्रेट डेटा में आता है. एंड लास्ट इज़ फॉर्मेट डेटा. फॉर्मेट डेटा बेसिकली रेफर्स टू द लिंग्विस्टिक चेंजेस प्रोड्यूस्ड टू इन्फॉर्मेशन दैट डज नॉट ऑल्टर देयर सिग्निफिकेंस बट मे रिक्वायर अ मॉडलिंग टूल. मतलब अगर मैं बहुत ही बेसिक से एग्जांपल दूँ आपको, जैसे आपका एक कॉलम है उसमें आपने अपनी ब्रांच लिखनी है, ठीक है, तो किसी जगह सीएससी लिखा हुआ है, किसी ने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब सेम है बट इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम वाइल डेटा माइनिंग. तो ये सारा काम होता है हमारा डेटा प्रिपरेशन में. दिस वॉज द थर्ड फेज ऑफ डेटा माइनिंग. फोर्थ फेज हमारा डेटा माइनिंग का है मॉडलिंग. अब यहाँ पे हमारे जितने भी माइनिंग फंक्शंस हैं वो अप्लाई होंगे. डेटा माइनिंग एक्सपर्ट्स सिलेक्ट एंड अप्लाई वेरियस माइनिंग फंक्शंस बिकॉज वी कैन यूज़ डिफरेंट माइनिंग फंक्शंस फॉर द सेम टाइप ऑफ डेटा माइनिंग प्रॉब्लम. मतलब बहुत सारे अलग टाइप के माइनिंग फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं सेम टाइप की डेटा माइनिंग प्रॉब्लम में. और ये कौन करता है, डेटा माइनिंग एक्सपर्ट्स करते हैं. याद है तीन लोग बताए थे मैंने फर्स्ट फेज में, वही उसमें से जो फर्स्ट वाले थे. डेटा माइनिंग एक्सपर्ट्स मस्ट एसेस ईच मॉडल. मतलब हर मॉडल का सक्सेस क्राइटेरिया चेक करते रहना होता है. इन दिस फेज अ फ्रीक्वेंट एक्सचेंज विद द डोमेन एक्सपर्ट्स फ्रॉम द डेटा प्रिपरेशन फेज इज रिक्वायर्ड. डेटा प्रिपरेशन फेज किसने करा था, डोमेन एक्सपर्ट्स ने. तो जो डेटा माइनिंग एक्सपर्ट्स हैं उनको डोमेन एक्सपर्ट्स के साथ इन कॉन्टैक्ट में रहना होता है, मतलब बातचीत करते हुए रहना होता है ताकि उनका जो दोनों का काम है वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, दे नीड टू चेक इट. अब जो इसका नेक्स्ट फेज़ है वो इवैल्यूएशन फेज होता है. तो मॉडलिंग फेज और इवैल्यूएशन फेज आर कपल्ड एंड कैन बी रिपीटेड सेवरल टाइम्स टू एक्सचेंज पैरामीटर्स अनटिल ऑप्टिमल वैल्यूज आर अचीव्ड. इट मींस मॉडलिंग फेज और इवैल्यूएशन फेज कपल्ड हैं एक साथ, मतलब दोनों हैंड बाय हैंड चलते हैं और ये अपने पैरामीटर्स को बार बार एक्सचेंज करते रहते हैं अनटिल एंड अनलेस ऑप्टिमल वैल्यूज हमें मिल जाए हमारे मॉडल के लिए. ठीक है, व्हेन फाइनल मॉडलिंग फेज इज कंप्लीटेड अ मॉडल ऑफ हाई क्वालिटी हैज़ बीन बिल्ट. जब ये वाली चीज़ हम कर लेते हैं पूरा इवैल्यूएशन एंड मॉडलिंग, तब हमें एक हाई क्वालिटी मॉडल मिल जाता है.
फिफ्थ फेज ऑफ डेटा माइनिंग प्रोसेस इज द इवेल्यूएशन. जैसे मैंने पीछे बताया था वही सेम चीज़ है इसमें. जो डेटा माइनिंग एक्सपर्ट्स हैं वो इवेल्यूएट करते हैं मॉडल को, एंड इफ इन केस मॉडल डज नॉट सेटिस्फाई द एक्सपेक्टेशंस दे गो बैक टू द मॉडलिंग फेज एंड रीबिल्ड द मॉडल बाय चेंजिंग इट्स पैरामीटर. अभी पीछे हमने देखा था ना कि एक्सचेंज करते हैं वो अपने पैरामीटर को, वही है. कब तक करेंगे? जब तक ऑप्टिमल वैल्यूज हमें अचीव नहीं हो जाती. व्हेन दे आर फाइनली सेटिस्फाइड दे कैन एक्सट्रैक्ट बिजनेस एक्सप्लेनेशंस एंड इवेल्युएट द क्वेश्चन. क्या क्या इवेल्युएट करते हैं? डज द मॉडल अचीव द बिजनेस ऑब्जेक्टिव? हैव ऑल बिजनेस इश्यूज बीन कंसिडर्ड? आई होप दिस इज वेरी इजी एंड इट इज क्लियर. At the end of evaluation process, data mining experts decide how to use the data mining result. अब हमने evaluate कर लिया, हमें एक high build का model भी मिल गया. अब जो data mining experts हैं वो decide करेंगे कि हमारे जो results आए हैं data mine करके उसको किस type से use करेंगे future के लिए. Sixth and the last phase of data mining process is the deployment. इसमें क्या होता है? डेटा माइनिंग एक्सपर्ट्स यूज द माइनिंग रिजल्ट्स बाय एक्सपोर्टिंग द रिजल्ट्स इनटू अ डेटाबेस, टेबल्स और इनटू अदर एप्लीकेशंस. जैसे स्प्रेडशीट वगैरह में वो अपना रिजल्ट रख लेते हैं ताकि उसे फ्यूचर में यूज कर सके. इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है क्रिस्प डीएम प्रोसेस मॉडल. जब क्वेश्चन आता है डेटा माइनिंग पे तो 6 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं फाइनल में, ठीक है, एंड टर्म जो एग्ज़ाम्स हैं, तो उसके लिए इतना लिखना, साथ में अगर आप ये डायग्राम बना देंगे तो पूरे नंबर मिलने के चांसेस हैं. तो दैट्स वाई मैं ये भी एक्सप्लेन कर रही हूँ. बट अगर आप अपने मिड टर्म एग्ज़ाम्स के लिए कर रहे हैं तो आप ये छोड़ सकते हैं, इट्स ओके, ठीक है. सो क्रिस्प डीएम इज़ बेसिकली क्रॉस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉर डेटा माइनिंग. जो क्रिस्प डीएम है, ओवरव्यू ऑफ द डेटा माइनिंग लाइफ साइकिल एज अ प्रोसेस मॉडल, ठीक है, इसमें वही सारी चीज़ें हैं, वही फेसेस हैं जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन करे. प्रॉब्लम डेफिनेशन, डेटा एक्सप्लोरेशन, डेटा प्रिपरेशन, देन मॉडलिंग, देन इवेल्युएशन एंड फाइनली डिप्लॉयमेंट. जो ऊपर चीज़ें एक्सप्लेन करी उसी को एक डायग्रामेटिक फॉर्म में शो करा गया है, इट इज़ क्रिस्प डीएम. अगर आपका फाइनल एग्जाम्स है, इंटरम एग्जाम है, आई वुड सजेस्ट ये आप ड्रॉ करके आए एंड देन वो सारी चीज़ें जो ऊपर बोली वो एक्सप्लेन कर दीजिए, बिकॉज वो यही है 6 फेसेस. सो आई होप ये वीडियो आपको समझ आया है. सो थैंक यू सो मच.